नमस्कार मित्रों, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। आज बात अग्रसेन जयंती की। महाराज अग्रसेन जी के बारे में थोड़ा सा चिंतन जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, मुझे आशा है कि ये आपको पसंद आएगा और ये आपके ज्ञान में भी वृद्धि करेगा। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप विद्यार्थियों के साथ और जो भी आपके वेलविशर्स हैं, आपके करीबी हैं, आप ये वीडियोस उन्हें भी सेंड कर सकते हैं। तो महाराज अग्रसेन जी के बारे में बात करते हुए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये सूर्यवंशी राजा थे, नंबर वन। नंबर टू, महाराज अग्रसेन जो हैं उनका संबंध द्वापर युग के साथ है, ये दूसरा पॉइंट है। इसका तीसरा पॉइंट ये है कि महाराज अग्रसेन जो कि जिनका वर्ण जो था वो क्षत्रिय वर्ण था और ये महाराज वल्लभ सेन के पुत्र थे, इनकी माता का नाम भगवती देवी था। तो आइए अब मैं आपको लेकर चलूं कि ये वार्तालाप कुछ वैज्ञानिक और कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि महाराज वल्लभ सेन महाभारत के युद्ध में पांडव पक्ष की ओर से लड़ते हैं। अब महाभारत का जो युद्ध हुआ इस धरती के ऊपर रक्तपात से भरा हुआ युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद एक बहुत बड़ा रुदन उठता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, विधवाएं नजर आ रही हैं, चारों ओर विलाप हो रहा है। जीत पक्ष की ओर से होते हुए भी एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, किसमें? महाराज अग्रसेन में। ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट है और टर्निंग पॉइंट ही नहीं है, ये भारत में एक ऐसे समुदाय का जन्म इसके साथ होता है कि जिनकी सोच व्यापारिक दृष्टि से बाकी दूसरे लोगों से बहुत ऊंची है। मैं इसलिए ये बात आपसे साझी कर रहा हूं। इस वार्तालाप में मैं आपको ये बताना जरूर चाहूंगा कि हेरिडिटरी क्या होती है, कि हेरिडिटरी वाकई ही काउंट करती है। महाभारत का युद्ध होता है, वैराग्य जगता है इनमें, महाराज अग्रसेन में, और नतीजा क्या निकलता है? महाराज अग्रसेन जो हैं वो अपना क्षत्रिय वर्ण वो त्याग कर वैश्य वर्ण को ज्वाइन करते हैं, वैश्य वर्ण में कन्वर्ट होते हैं जाकर। इन्होंने अपनी एक अलग से प्रताप नगरी के राजा महाराजा अग्रसेन ने एक नगर का निर्माण किया। महाभारत के युद्ध के बाद उन्होंने, जैसे अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद इतने बड़े रक्तपात के बाद हथियार छोड़ दिए थे और वो बौद्ध धर्म को उसने ग्रहण किया था, ऐसे ही महाराज अग्रसेन ने महाभारत के युद्ध के बाद अपना क्षत्रिय वर्ण और ये जो मारधाड़ की जो नीति है उसको छोड़कर उन्होंने वैश्य वर्ण ज्वाइन किया या उसको अपनाया। अब ये यहाँ पे आके क्या होता है, उन्होंने अपनी राजधानी हरियाणा के पास हिसार के पास, एक अभी भी वहाँ पे जो है हमें थे बोलते हैं पंजाबी में, तो वहाँ पे मिला है जमीन के नीचे से अवशेष जो हैं वो मिले हैं, जिसका नाम है अग्रोहा कस्बा है। तो अग्रोहा इनकी राजधानी है, उसके बाद महाभारत के युद्ध के बाद अग्रोहा को अपनी राजधानी बनाते हैं। अब ये अग्रोहा में जो राजधानी बनाई उसमें उन्होंने उन लोगों को वहाँ पर स्थान दिया जो युद्ध को छोड़कर शांति को मानते हैं, जो युद्ध को छोड़कर व्यापारिक दृष्टि या व्यापार को प्राथमिकता देते हैं, जो युद्ध को छोड़कर अच्छी सोच, शांति और वैज्ञानिक दृष्टि से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है कि महाराज अग्रसेन की जो राजधानी थी अग्रोहा, वहां पर एक बड़ी गिनती में ऐसा समुदाय पैदा हुआ कि इनका जो राजधानी थी वो धन धान्य से भर उठी। इनकी जो सोच थी वो, इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की दृष्टि से इन्होंने इतनी तरक्की की, उन्होंने साधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया और ऐसा समुदाय वहां पर पैदा हुआ
जो कि हर घर में खुशहाली। अग्रोहा में महाराज अग्रसेन के बारे में बात पता चलती है कि जो भी वहां से दूर से वहां से कोई व्यापारी या कर्मठ व्यक्ति, बहुत अच्छा शिल्पकार, बहुत अच्छा कलाकार अगर वहां पर आकर बसता था, तो जितने भी अग्रोहा नगर के निवासी थे, जो खुशहाल थे, अमीर थे, वो उनके लिए कंपलसरी था कि वो उनको एक ईंट दे और साथ में एक रुपया दे। अब होता क्या था कि सपोज वहाँ की आबादी अगर 1 लाख है, परिवार वहाँ पे होंगे, तो 1 लाख रुपया उस परिवार को आते ही मिल जाएगा जो बिल्कुल खाली हाथ आया है, और 1 लाख ईंट मिल गई। अब उससे क्या हुआ, उसका एक भव्य घर भी बन गया और व्यापार करने के लिए उसके पास पैसा भी आ गया। तो ये महाराज अग्रसेन ने जो एक आर्थिक दृष्टि दी, ये कमाल की थी, बहुत कमाल की। युद्धों से दूर एक ऐसा नगर कायम कर दिया उन्होंने कि जो सिर्फ शांति की बात करता है। अब इनके साथ इनकी जो रानी थी, महारानी माधवी, वो भी अपने पति की तरह एकदम विकासशील दृष्टि वाली। जो विकासशील लोग होते हैं वो बहुत बड़े धार्मिक भी होते हैं, अगर वो धार्मिक हो जाएं तो कल्याण ही कल्याण होता है। तो ये मैं मानता हूं कि उनकी पत्नी और महाराज अग्रसेन दोनों धार्मिक दृष्टि से बहुत उच्च थे, और साथ में उनके असली विकास जो होता है उन्होंने वो दिखाया आज से 5,500 साल पहले। तो यहाँ पे एक हिंदुस्तान में एक समुदाय क्रिएट होता है अग्रोहा में, वो था अग्रवाल समुदाय। अब अग्रवाल समुदाय, इनके 18 बेटे जो माने जाते हैं, 18 बेटे, और उनसे 18 कुल जो हैं वो क्रिएट हुए। 18 कुल, इंटरेस्टिंग है, 18 कुल क्रिएट होते हैं, जिनके नाम जो हैं एरन, बंसल, बिंदल, बंदल, धारण, गर्ग, गोयल, गोयन, जिंदल, कंसल, कुच्छल, मधुकल, मंगल, मित्तल, सिंगल, तायल या नागल। तो ये 18 अग्रवाल समुदाय जो हैं वो आगे जाके 18 भागों में महाराज अग्रसेन की जो कुल है वो चलता है, जो कि भारत में हम देखते हैं कि अग्रवाल समुदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो अब ये अग्रवाल शब्द जो है, ये माना जाता है कि अग्रोहा उनकी राजधानी थी, और अग्रोहा में जो लोग वहां पे उस समय रह रहे थे वो अग्रणी थे। अग्रणी किसमें? व्यापार में, दृष्टि में, व्यापारिक दृष्टि में, वैज्ञानिक सोच में, बाकियों से, बाकी दूसरे जो लोग थे उनसे आगे थे। तो अग्रोहा में, अग्रोहा नगर को लेकर शायद एक शब्द क्रिएट हुआ, वो था अग्रवाल, या फिर अग्रवाल शब्द का जो अर्थ पढ़ा जाता है कि वो आ जाता है अग्रणी, व्यापारिक दृष्टि से अग्रणी। तो ये बात तो वाकई मानने लायक है, अगर मैं हेरिडिटरी की बात करूं तो। अग्रवाल समुदाय के जो बच्चे हैं, जो मेरे साथ भी पढ़े हैं, उनका जो मैथ्स है वो कंपैरेटिवली दूसरे बच्चों से, उनका आईक्यू, मैथमेटिकल आईक्यू जो है वो ज़्यादा है। अब अगर हम व्यापारिक दृष्टि से बात करें तो एक बहुत बड़ा समुदाय जो है अग्रवाल समुदाय, विभिन्न रूपों में, मित्तल, जिंदल, बिंदल, ये इनके पास व्यापार जो है उच्च लेवल से लेकर लोअर लेवल तक जो भी है वो इनके पास, इनकी दृष्टि जो है व्यापारिक दृष्टि वो बाकियों से कंपैरेटिवली बेटर है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर हेरिडिटरी काउंट होती है। अब आकर यहाँ पे एक बात होती है कि मैं जब भी महाराज अग्रसेन के बारे में मैंने जब पढ़ा तो मेरे को एकदम से एक सीन याद आया कि आफ्टर वॉर, युद्ध के बाद उनका जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि वो क्षत्रिय वर्ण छोड़कर वो वैश्य वर्ण को ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे एकदम से एक देश जो है हमेशा अच्छा लगता है, जापान। जापान इस धरती का इकलौता ऐसा देश है जिसने सबसे विनाशकारी दृश्य देखा है, 1945 हिरोशिमा एंड नागासाकी, इतना बड़ा रक्तपात।
एटमी ब्लास्ट होते हैं वहाँ पर, और उस देश का दृष्टिकोण देखिए बदलता है कि वो लड़ाई जो है वो छोड़कर, अपनी जिद छोड़कर, वो विकास को सही मायनों में अडॉप्ट करता है वो कंट्री। वो जापान यहाँ पर की नॉर्मली अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, लेकिन वो जापान टेक्निक के तौर पर टेक्निकली दुनिया का नंबर वन कंट्री, वैज्ञानिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, और हम ये कहेंगे कि वो कंट्री जो है वाकई उसने विज्ञान में जो तरक्की की है उसका एक ही कारण है कि उन्होंने वार को प्राथमिकता नहीं दी, उन्होंने पीस को अपनाया। तो जहाँ पर शांति होगी वहाँ पर कला भी पनपेगी, जहाँ पर शांति होगी वहाँ पर एजुकेशन सही मायनों में फ्लोरिश होती है, जहाँ पर शांति होती है वहाँ खुशहाली होती है। तो महाराज अग्रसेन की एक बात जो है वो मेरे को बहुत टच करती है कि उन्होंने एक बात उस युग में कही, उन्होंने कहा कि स्वर्ग जो है उसकी कामना हम करते, स्वर्ग की जो कामना है वो मृत्यु के बाद उन्होंने बोला की जाती है, लेकिन अगर धरती के ऊपर स्वर्ग अगर हम स्थापित कर लें अपने जीते जी, तो ये अपने साधनों का अगर हम सही ढंग से प्रयोग कर लें तो धरती पर जीते जी भी हम स्वर्ग जो है वो पैदा कर सकते हैं। तो आज अग्रवाल जयंती के उपलक्ष्य में ये जो थोड़े से विचार मैंने महाराज अग्रसेन के बारे में आपके साथ साझा किए हैं, मुझे उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए हैं तो विद्यार्थियों के साथ भी साझा करें, अगर पसंद आए हैं तो अपने नियर एंड डियर्स के साथ भी साझा कर सकते हैं, क्योंकि महाराज अग्रसेन का हम नाम तो जानते हैं लेकिन महाराज अग्रसेन का जो छोटा सा इतिहास मैंने ब्रीफली आप सबके साथ साझा किया है, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी ही ऐसे और छोटे छोटे एपिसोड्स जो हिस्टोरिकल हमारे करेक्टर्स हैं वो मैं आपके साथ साझे करता रहूँगा। तो इसके साथ ही मैं आप सबसे विदा लेता हूँ।